वक्फ बोर्ड के खिलाफ पीएम मोदी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का प्रस्ताव। नायडू नीतीश गद्दारी करेंगे या फिर वफादारी। अपनी पुरानी फॉर्म में लौटे पीएम मोदी का बड़ा धमाका। धर्मज्ञान पर आचार्य मयंक शर्मा की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार दर्शकों, धर्मज्ञान के आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और आज हमारे साथ जुड़े हैं घर से ही आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, जुड़ने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसके साथ आपका स्वागत भी। धन्यवाद कविता जी। धर्मज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हाल फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कुछ ही महीनों पहले, बीते महीने ही, मयंक शर्मा जी ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि आप देखेंगी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो माह है, जो आने वाले जो ये 3 महीने हैं, इसमें आप ये देखेंगे कि देश की जो देश का जो शेर है सोया हुआ नहीं है बल्कि जाग उठेगा। अपनी पुरानी फॉर्म में पीएम मोदी जी हमें देखने को मिलेंगे और नतीजतन आज देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में संसद में एक बहुत बड़ा बिल पारित होने जा रहा है, वक्फ बोर्ड संशोधन वाला बिल पारित होने वाला है, जिसके चलते पीएम मोदी मोदी सरकार इस बिल के जरिए जिस ताकत का मिसयूज करते हुए वक्फ बोर्ड अब तक आगे बढ़ता रहा है, वही ताकत उससे वापस ली जाएगी और तमाम इस बिल में तमाम संशोधन किए जाएंगे। किरण रिजिजू इसे प्रस्ताव को संसद में पेश करेंगे, लेकिन आज हम मयंक जी से ये आगे जानने की कोशिश करेंगे कि अब कितने और धमाके अब पीएम मोदी जी करने वाले हैं, इसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस बिल को लेकर पीएम मोदी जी के अपने सहयोगी यानी कि नीतीश बाबू और नायडू का सहयोग उन्हें अब की बात कितना मिल पाएगा, इसकी भविष्यवाणी उनकी क्या कहती है। सबसे पहले मयंक जी, पीएम मोदी का अब का समय क्या कहता है? देखिए, मोदी जी की कुंडली के ऊपर अभी कुछ दिनों पहले ही भविष्यवाणी की गई थी जब हम लोग शूट पर गए थे और वहां हमने बोला था कि अब जो है धीरे धीरे समय बदलाव की ओर आ रहा है, कहीं ना कहीं इनके ग्रह नक्षत्र बहुत ज्यादा बलि होने जा रहे हैं जिसके चलते आने वाले समय में मोदी जी जो है कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो अगर वर्तमान में ग्रह स्थिति की बात करें तो इतना उठापटक हो रहा है कि शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर रहा है या तख्ता पलट हो रहा है या यूं कहें कि देश दुनिया में हिंसा फैल रही है। उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, समझिए कि हमने आपको बताया था कि शनि जो है अगर वक्री होते हैं तो वक्री होना शनि का देश दुनिया के लिए अच्छा नहीं माना जाता, काफी उतार चढ़ाव रहते हैं, लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव आता है और शनि के वक्री होने से कहीं ना कहीं परेशानियां, धन संकट, उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, देश दुनिया में बड़े परिवर्तन कराते हैं। 29 जून को शनि मध्य रात्रि में वक्री हो गए थे और 15 नवंबर की शाम तक ये वक्री रहेंगे अपनी कुंभ राशि। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां हैं ये बड़े विपरीत हालात बना देती हैं देश दुनिया में। अब आप देख ही रहे हैं इस समय जो चीजें हो रही हैं, तो एक तो उसमें शनि की मेहरबानी हो रही है कि शनि के कारण ये सब चीजें हो रही हैं और वर्तमान में अभी देखिए सूर्य शनि का सम सप्तक योग बनने जा रहा है जो कि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक बनेगा। तो इस समय पे स्थितियां जो है और भी बड़ा रूप ले सकती है, यानी कि परिस्थितियां और ज्यादा विपरीत हो सकती हैं कुछ देशों के लिए। अभी अभी सुनने में आ रहा है, हमने कहा था कि पश्चिमी देशों में जो है हालात खराब हो सकते हैं, तो आने वाले समय में आप देखेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें ज्यादा परेशानियां बढ़ती भी नजर आ रही हैं। खासकर 15 नवंबर तक के जो हालात रहेंगे वो विश्व स्तर पर उतने अच्छे नहीं रहेंगे। कुछ राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में वाद विवाद हो सकता है, छोटे मोटे कहना चाहिए कि इसको कोई हम वॉर नहीं कह सकते लेकिन छोटा मोटा युद्ध या कहीं ना कहीं मिसाइल फेंकना, इस तरह की चीजें, इस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जो है आवेश बहुत ज्यादा रहेगा इस समय जी। और आज की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया जाएगा, इस पे सदन में चर्चा भी होगी और सबसे दिलचस्प बात है सबका ध्यान इस पर होगा कि क्या ये बिल पास हो पाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाजपा के खुद के पास तो देखिए बहुमत नहीं है लेकिन एनडीए सहयोगियों के साथ यानी कि नीतीश नायडू का साथ ही इस बिल को पास करवा सकता है। तो आज मुझे लगता है पीएम मोदी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी क्योंकि बहुत बड़ा बिल लेकर इस बार पीएम मोदी आए हैं संसद में, लेकिन इस बिल पर क्या उनके अपने नायडू नीतीश का साथ उन्हें मिल पाएगा, क्या लगता है इस वक्त उनकी जो गृहचाल क्या कहती है?
देखिए इनके जो ग्रह नक्षत्र है इस समय अगर बात करें तो मंगल की महादशा है, वृश्चिक राशि है और शनि की ढैया भी चल रही है और शनि वक्री अवस्था में है। तो जैसे मैंने बोला ना कि शनि वक्री होते हैं तो कड़े कदम उठाए जाते हैं और कहना चाहिए जो अपराधी तत्व है उनको सजा मिलती है और जो एक पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय मिलता है। तो शनिदेव ये काम करते हैं। इस समय मोदी जी की जो ग्रह स्थिति बन रही है वो बहुत ही पावरफुल बन रही है, तो कहीं ना कहीं अब वो समय रहेगा कि ये कड़े फैसले लेंगे और इनके सहयोगियों का साथ भी इनको मिलेगा। और ये चीज मैं आपको पहले बहुत पहले वीडियो में बता चुका हूं कि मोदी जी किसी दबाव में कोई भी काम नहीं करने वाले, किसी के दबाव में अंडर प्रेशर में आके वो कोई भी बड़े फैसले टालने वाले नहीं है। इस सरकार में ये नहीं होने वाला है। जिस तरह के मोदी जी की गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट जो चल रही है, तीसरा कार्यकाल है, पहली बार गठबंधन की सरकार है, लेकिन ये औपचारिकता का गठबंधन है, उसमें चलनी सब कुछ नरेंद्र मोदी जी की है, उन्हीं के हिसाब से सहयोगी दल चलेंगे। परिस्थिति कुछ ऐसी रहेगी, अगर कुछ घटक दल छोड़कर जाने का प्रयास भी करते हैं तो नुकसान उन्हीं को ही होगा, या वो दोबारा लौट कर आने का प्रयास करेंगे या वो जाएंगे नहीं। अंदर से नाराजगी रह सकती है लेकिन वो खुल के बाहर इजहार नहीं होगा और कहीं ना कहीं सरकार के फैसलों के साथ ही रहेंगे। तो मेरी ये प्रेडिक्शन है कि मोदी जी कड़े कदम उठाने जा रहे हैं, कड़े फैसले आने वाले समय में, ना सिर्फ इस महीने में बल्कि आने वाले कुछ महीनों में आपको कड़े कदम देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। सहयोगी दलों का साथ देंगे इस बार? जी बिल्कुल बिल्कुल साथ देंगे। जैसे मैंने बोला कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखिए कि मीडिया में हर चीज सामने नहीं आती, हो सकती है अंदर खाने कोई नाराजगी रहे लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं होगा कि गठबंधन छोड़ दे, और ना ही किसी भी तरह से कोई भी सरकार कोई भी आने वाले समय में कुछ भी करने जा रही है, कोई भी बिल आ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो कामयाब रहेगी और वो बिल जो है पास भी करवाएंगे या गवर्नमेंट की जो भी कोई योजनाएं हैं। अब शनि चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में है और मोदी जी की कुंडली में 17 तारीख से सूर्य देव जो है दशम भाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा कदम जरूर ऐसे समय पे व्यक्ति उठाता है। तो प्रधानमंत्री जी की कुंडली जो है वो इस समय बहुत पावरफुल स्थिति में है और आप देखेंगे आने वाले समय में कुछ बड़ा बदलाव, बड़े बड़े बिल पास होते हुए नजर आएंगे, बड़े घटनाक्रम जो है देखने को मिलेंगे। और जो अगर अभी तक समझ रहे हैं लोग कि मोदी जी शांत होकर बैठे हैं, भाई क्या चीज है, क्यों अब पहले जैसा रूप देखने को नहीं मिल पा रहा है, तो देखिए कहीं ना कहीं मैंने बोला था कि नवंबर का समय मैंने लिया था कि आज भी अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि 1 नवंबर के बाद जो है मोदी जी का रूप पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि उस समय की जो ग्रह स्थिति रहेगी वो इनके लिए पूरी 100% पावरफुल रहने वाली है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व जो है वो भी बढ़ेगा और इनकी लोकप्रियता, जैसे अभी फिर से विश्व में नंबर वन ये मास लीडर चुने गए हैं, सबसे बड़े नेता, तो ये जो उनका जो रौब है, ये रुतबा है, ये जलवा है, ये बरकरार रहने वाला है।